नमस्कार दोस्तों दोस्तों जिमें कि तुम्हें पता है कि साढ़े लोग सभा का सैशन चल रहा है जिदे अजकल एक ही मुद्दा छाया हुआ है NRC जिदा मतलब है नैशनल भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जिड़ी कि 1951 के शुरू की गई थी। उस तो बाद 2015 लागू किया गया आसाम के मोदी सरकार का यह कहना है कि कुछ भैड़े देश के बाहर आ रहे जिन्होंने सीधा सीधा के टारगेट किया मुसलमानों ने उन्होंने घट्टो घट्ट 19 लाख बंदे जेडे कि नॉन इंडियन निकले भी जेडे कि इंडिया तो बाहर जिन्होंने 16 लाख हिंदू सके। आप सोचो कि मुसलमान टारगेट करते करते 16 लाख हिंदू ही NRC की लिस्ट चो बहर आ गए जिदा कि कुल मिला के खर्चा जो आसाम के होया 1600 करोड़। यह पूरा जो सरकार ने आंकड़े अपने जो उन्होंने सारे आंकड़े सरकार ने लोग सभा पेश किए तो सरकार को कितने ना कितने बुरी तरह मार चलनी पी थी। ओपोजिशन ने पूरी तरह BJP सरकार को टारगेट किया तो हूँ यह पूरा बिल पूरे हिंदुस्तान लागू किया जा रहा है NRC जिदे के पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगलादेश के बाहरों आए शरणार्थी जिन्होंने सिख हिंदू पारसी बोधी के क्रिश्चन इन्हों नागरिकता मिलू कि मुसलमानों ने बिल्कुल बाहर रखा गया। उत्थे हैदराबाद तो AMI के सांसद जिन्होंने भी चंगी तरह जानते हो गए ओवैसी जेडे एक पेशे के तौर पर वकील भी ने उसद भी उन्होंने ये कहा कि BJP सरकार दूजे बटवारे की तरफ लैके जा रही है जेडे कि पहला 1947 होया हिंदुस्तान पाकिस्तान हूँ दूजा बटवारा ये धार्मिक तौर पर BJP करवाने जा रहा है जिन्होंने कि BJP ने मुसलमानों बाहर रखा गया। तो दोस्तों सीधी सीधी गल मेरा यह मानना भी सीधा सीधा टारगेट ये वैसट बंगाल कर रहे क्योंकि वैसट बंगाल गल की है उत्थे ज्यादातर वोट उत्थे मुसलमाना की मेजोरिटी है क्योंकि मुसलमान जो भी वोट ममता बैनर्जी गिरदी है तो ममता बैनर्जी एक वड्डे वड्डी लीड न जीतती है जिम्मे देखा होना 2016 के वोटों के BJP उ विधानसभा सिर्फ 3 सीटा मिली 2014 के इलेक्शन लोग सभा BJP सिर्फ एक सीट मिली थी 2019 BJP ने काफी अपने आप इंप्रूव किया घट्टो घट 18 सीटा करीब किया यही सारा टारगेट वैसट बंगाल कर रहे भी उत्थे मुसलमान की वोट खत्म की जाए। उत्थे हुण कांग्रेस ने भी काफी मतभेद चल रहे क्योंकि तुम्हें पता महाराष्ट्र के कांग्रेस से शिवसेना NCP का गठबंधन होया उत्थे शिवसेना ने लोग सभा इस बिल का साथ दिता सीता उत्थे सोनिया गांधी ने शिवसेना चेतावनी दी है कि जे तुसीं राज्यसभा इस बिल का समर्थन किया तो असीं गठबंधन तोड़ लवेंगे। उत्थे बिहार की JDU ते जिहड़ी भाजपा की सरकार चल रही उत्थे JDU के राज्यसभा मैंबर प्रशांत किशोर जिहड़े कि PK जाते जिन्होंने जिहड़े कि बहुत वड्डे स्ट्रैटेजी ने इलैक्शन की स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं उन्होंने भी JDU कहा कि तुसीं इस बिल का गलत समर्थन कर रहे हो। तो दोस्तों बिल्कुल सही है बिल का टोटली गलत समर्थन है क्योंकि मुसलमानों एक तरफ न पूरे साडे देश दे विचों बाहर कढ़न की तैयारी की जा चुकी है। ये तुसीं आप देखो जबकि इहदे विच साडे गुआंढी मुल्क श्रीलंका भी है नेपाल भी है तिब्बत उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं किया गया इहदे विच सीधे सीधे तौर पर मुसलमान टारगेट किया गया। उत्थे अमेरिकन आयोग ने भी अज अमित शाह ने इस बिल नूं गलत करार दे दिता है तुसीं NDTV की खबर है तुसीं उत्थे देख सकते हो तो उन्होंने कहा है भी यह धर्म के आधार पर बिल पेश किया जा रहा है जबकि अमित शाह ने लोग सभा यह कहा कि यह कोई धर्म के आधार पर बिल नहीं यह सिर्फ वक्रा मसला है तो यह कलास है जिसे कि सिख हिंदू ईसाई पारसी लोगों एक कलास है तो मुसलमान इस बिल चो बाहर ने तो हम कांग्रेस को अज राज्यसभा फ्लोर टैसट है तो आंकड़े ये दस रहे हैं कि शायद राज्यसभा बिल पास ना हो क्योंकि जिस ढंग हम कांग्रेस ने अपनी तैयारी की कल तो टीवी देखा होना कि गुवाहाटी होर भी काफी उधर उत्तर पूर्वी इलाकों में बिल का विरोध होया तो कल बंद भी रहा उधर उत्तर पूर्वी इलाके से होर भी इस बिल के हम काफ़ी नैगेटिव रिएक्शन आने शुरू करते तो पूर्व जस्टिस काफ़ी वे वे जजा ने भी इस बिल का विरोध किया भी यह बिल टोटल भारत देश में बर्बादी की तरफ लैके जा रहा है। उत्थे एक कांग्रेस के MLA ने यह कहा कि कांग्रेस की यह पूरा स्ट्रैटेजी है प्लैन है कि जी कि देश की इकनोमिक डिग रही है हूँ साढ़े देश की GDP 4 पॉइंट के करीब रह गई जिड़ी कि हौली हौली पिछले साल 5 तो 4.5 थे हम 4.5 तो 4 भी यह सिर्फ देश की इकनोमिक्स जी दर देश का हालत हो रही आर्थिक मंदी तो ध्यान हटाने के लिए यह बिल जानबूझ के पेश किया जा रहा है। पिछले लोग सभा देखा होना कि धारा 370 जम्मू कश्मीर ने बिल पेश किया जिदे करके सारा ध्यान लोगों का जम्मू कश्मीर वाल चला गया हाले तक जम्मू कश्मीर हालात
ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੀਐਸਐਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ।